फतेहपुर जनपद में अलग अलग जगहों पर योग शिविर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पांचवें योग दिवस पर भारत के सूर्य को नमस्कार। तन से मन का योग दूर भगाए सारे रोग। वहीं खागा कस्बे में ग्लोबल नगर पंचायत प्रांगण, सत्यम टाकीज, जुबराज सिंह मंदिर और तहसील के धाता किशनपुर खखरेरो जैसी जगहों पर भी योग दिवस पर भारी भरकम भीड़ देखने को मिली और योग से करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने का मंत्र दिया और पर्यावरण को पर भी चर्चा की गई। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं समाज सेवी संस्था के लोग। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। क्या है? मेरा नाम अशोक तपस्वी है। जी, आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, ये कार्यक्रम जो है आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत है, श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन में है और एक अच्छा प्रयास बच्चों ने शुरू किया है। जो भी अभी आपने देखा भी बच्चों को योगासन के बारे में बता रहे थे और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हर एक व्यक्ति का जीवन सरल कैसे होगा इस विषय पर ही ये चर्चा है और आज का पहला दिन है और ये 3 दिवसीय इनका कार्यक्रम चलेगा और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग का प्रयास है, ये बच्चों का प्रयास है और रविशंकर जी का भी यही प्रयास है कि कैसे हर एक व्यक्ति का जीवन सरल हो और आगे पर्यावरण की हम लोग कैसे रक्षा करें, इस सब विषयों को लेकर ये एक तरह का कार्यक्रम है। और हम लोग योगासन के साथ साथ सफाई पे ध्यान देंगे। हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे अपने नगर में और लोगों को सफाई के लिए जागरूक करेंगे और वृक्षारोपण करवाएंगे और जो है लोगों को ऐसी बहुत सारी मल्टीपर्पज़ जानकारी देंगे, कृषि से लेके और खाद्य एवं सुरक्षा से लेके कि हम लोग जैविक खेती करें, जैविक खाद पे ध्यान दें जो है और केमिकल खाद ना डालें ताकि हमारी जो है भूमि है वो नष्ट होती जा रही धीरे धीरे। तो हम लोग कैसे अपने ज़मीन में किचुओं को पैदा करें, तो गोबर, देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल करें खेतों में और ऐसे ही प्राकृतिक खेती जो है अच्छे से हो और हम लोग स्वस्थ रहें, यही हम लोगों का उद्देश्य है। ये जो शिविर चला रहे हैं, जो इसमें खर्च आता है, ये कैसे क्या मैनेज होता है? ये खर्चा देखिए, हम लोगों की 32 लोगों की टीम है जिसमें से यहाँ सारे लोग आ नहीं पाए हैं तो आज जो है हम लोग 3 लोग थे तो एक को जाना पड़ा, बाकी हम लोग जो है 3 लोग अपना ये शिविर का सिस्टम जो है बनाए हैं और 3 ही लोग जो है इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने का प्रयास किए हैं छोटा सा कार्यक्रम में। आपका सुपरिचय? मेरा नाम है बाल योगी सतीश दत्त तिवारी। और सिर्फ एक दिन योगा नहीं, आप डेली योगा करें जिससे आपका शरीर निरोग रहे, आपको किसी भी डॉक्टर की या किसी भी तरीके की बीमारियों से हमेशा निजात मिलती रहे, क्योंकि लोगों ने कहा भी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके लिए आपके अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको योगा करना पड़ेगा। रोज योगा करिए, सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर दिन इसको योग। सांस भरते हुए जब सांस भरेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे, नीचे का नस घूम के हम लोग सटे हुए कानों से और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे हाथ आएंगे। और सिर्फ एक दिन ही योगा नहीं, आप डेली योगा करें जिससे आपका शरीर निरोग रहे, आपको किसी भी डॉक्टर की या किसी भी तरीके की बीमारियों से हमेशा निजात मिलती रहे, क्योंकि लोगों ने कहा भी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके लिए आपके अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको योगा करना पड़ेगा। रोज योगा करिए, सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर दिन इसको योग। ये शशांक आसन बहुत ही बढ़िया आसन है,
इतना भी कठिन नहीं है कि लोग